काशवी हीरानंदानी नाम की एक गेमर हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं, खासकर वो लोग जिन्हें गेम्स में रुचि है। तो आज उन लोगों को भी हमारे कार्यक्रम में बहुत मजा आएगा, क्योंकि आज वो गेमर है सास बहू और साजिश के साथ, यानी कि SBS ओरिजिनल्स के साथ। हम खेलने वाले हैं BGMI, मैं एक प्रो गेमर हूं। और मेरे साथ है यश जो 10 साल के हैं और ये भी गेम में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। तो अब हम उतर गए हैं और मैं यश को फोन दूंगी और यश करेगा यहाँ पर लूट। एजुकेशन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, जो ऐसे बैकअप जैसे रहती है अपने पास। कोरोना काल में सबसे ज्यादा डिजिटल पर क्या देखा गया? तो कोरोना काल में बच्चों ने सबसे ज्यादा अपना समय क्या खेल कर बिताया? अब हम जानते हैं कि आपका जवाब यही आएगा कि अरे भाई, ये गेमिंग की दुनिया है ना, यूट्यूब की दुनिया में गेमिंग की भी एक अलग पहचान हो चुकी है। किसी भी फिल्म वेब सीरीज से ज्यादा व्यूज मिलते हैं एक गेमर को। Hi guys, so welcome back to SBS Originals. आज हम यहाँ ABP News के ऑफिस में हैं और हम खेलने वाले हैं BGMI. मैं एक प्रो गेमर हूँ और मेरे साथ है यश जो 10 साल के हैं और ये भी गेम में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। हम सारे एक प्लेन में हैं, ठीक है, और हम इस प्लेन से कूदते हैं और इस बैटल रॉयल मोड में फिर हम पहुँचते हैं इन घरों के पास, ठीक है। घरों में मिलती है हमें लूट, तो हमें यहाँ मिलती है हेल्थ और दूसरे गन्स की एमो और बहुत ढेर सारे चीज़ जैसे पेन किलर्स, ये सब। क्लासिक में सोलो खेलेंगे और किसी सेफ जगह में उतरेंगे, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं अब, तो हम किसी सेफ जगह में उतर के सेफ खेलेंगे पहले, ठीक है। यश को मिल गई है एक MK म्यूटेंट बर्स्ट गन है जो, और एक PP बाइजन, और मैं सोच रहा हूँ आप ही कैंप कर लेता हूँ। तो पूरे गेम, मतलब आप 25 मिनट यहीं बैठे रहोगे तो बोरिंग हो जाएगा ना फिर। बट अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके होते हैं खेलने के, मतलब कोई लोग प्रेफर करते हैं कि वो बैठे रहे एक घर में पूरे 20-30 मिनट और इतना फाइट ना ले, और कोई लोग मतलब जाते ही मतलब फाइट लेना चाहते हैं, एक दूसरे को हराना चाहते हैं। मेरे हिसाब से मैं ऑलवेज कैंप खेलता हूँ, अगर मेरे को ज़्यादातर प्रेफर करना है तो मैं कैंप ज़्यादा प्रेफर करूँगा। गेमिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस समय और ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो हो रही है, तो इसमें बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी है। मैंने जब गेमिंग स्टार्ट की तब मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट की और बहुत सुन मैंने इससे पैसे कमाना शुरू कर दिया। पैसे मतलब अलग अलग टीम्स मतलब प्लेयर्स को लेती है और सैलरी देती है और उसके थ्रू मतलब पैसे भी कमा सकते हैं, उसके अलावा यूट्यूब से बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया और मतलब कोई भी मतलब ऐसे पार्ट टाइम एज अ साइड हॉबी स्टार्ट कर सकता है, मतलब कोई भी एज पे, ठीक है। और काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बच्चे हैं जो 13-14 ईयर्स के हैं जो लाखों कमा रहे हैं हर महीने। तो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया और फिर यूट्यूब ने बहुत पिकअप किया, मुझे बहुत ब्रांड डील्स आने लगी और मेरा चैनल बहुत बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म करने लगा। तो फिर मैंने उस पर और टाइम डेडिकेट किया। तो मैं मतलब दूसरे भी बच्चों को कहना चाहती हूँ, दूसरे पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि गेमिंग में बहुत करियर ऑप्शंस है, आपको अपनी स्टडीज़ नहीं छोड़नी चाहिए, आपको मतलब स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए, बट एज अ हॉबी गेमिंग को अंडर एस्टिमेट मत करिए। और अगर आपका मतलब एज अ हॉबी चल गया और आप अगर अच्छा परफॉर्म करने लगे तो द स्काई इज़ द लिमिट विद गेमिंग। अब घर में छोटा बच्चा है तो उसका सपना होता है कि उसे भी गेमिंग की दुनिया में यूट्यूबर बनना है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि एजुकेशन के बाद ही ये सब होना चाहिए। ये बात खुद काशवी बता रही हैं उन सभी बच्चों से जिनका आजकल पूरा ध्यान गेमिंग जोन पर है। एजुकेशन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, जो ऐसे बैकअप जैसे रहती है अपने पास। तो सारी चीज़ें छोड़ के बिल्कुल गेमिंग में घुस जाना, ये बहुत वाइज डिसीजन बिल्कुल नहीं है। तो आपको मतलब पढ़ाई के साइड बाय साइड जैसे आप स्पोर्ट्स खेलते हो या जैसे TV देखते हो, वैसे आप गेमिंग एज अ हॉबी कर सकते हो, और अगर आप उसमें बेहतरीन हो, अगर आप उसमें परफॉर्म कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज आते जाएंगे। और एट अ वेरी लेटर स्टेज, जब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जब आप बहुत स्टेबल हो, तब आप डिसाइड कर सकते हो। बट एजुकेशन बिल्कुल छोड़नी नहीं चाहिए, वो आपका पहला फोकस रहना चाहिए। मेन फोकस शुड बी एजुकेशन, योर ग्रेजुएशन, योर मतलब 10th स्टैंडर्ड पूरा करो, 12th स्टैंडर्ड पूरा करो, डिग्री, फिर
work and everything, and then side by side gaming can always happen. Ekashvi ke saath samay bitane ke baad is baat ka ehsaas hua ke gaming ki duniya mein bhi aap kitna kuch kamaal kar sakte hain. फिर पबजी जैसा पॉपुलर गेम जब बंद हुआ तो हिंदुस्तान ने शुरू किया बैटल ग्राउंड इंडिया, ये गेम जिसे खूब पसंद किया जा रहा है. मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.